सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोर के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में कार पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया, उसने ही डिडंट रिमेम्बर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि कैसा चाय क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री।